बिहार सरकार का शुक्रवार को कैबिनेट विस्तार हुआ। सिर्फ एक विधायक रत्नेश सदा ने मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लिकर ने उन्हें शपथ दिलाई। वह सोन वर्षा से लगातार 3 बार जदयू से विधायक है। रत्नेश को जीतन राम मांझी के बेटे डॉक्टर संतोष सुमन का ही SC/ST कल्याण विभाग दिया गया है। शपथ से पहले रत्नेश सदा ने सीएम नीतीश के पैर भी छुए। डिप्टी सीएम नीतीश यादव ने गले लगाकर उनको शुभकामनाएं भी दी। रत्नेश सदा के शपथ ग्रहण समारोह में मंत्री विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, प्रोफेसर चंद्रशेखर समेत कई अन्य मंत्री मौजूद हैं। JDU राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी मौजूद हैं। राम मनोनीत मंत्री रत्नेश सदा के साथ उनकी मां के अलावा उनकी बेटी और पत्नी, बेटा, बहू भी शामिल थे। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता और पूर्व मंत्री जीतन राम मांझी के बेटे डॉक्टर संतोष सुमन के त्याग पत्र देने के बाद यह मौका आया है। पार्टी को जदयू में विलय के आरोप लगाने के साथ ही डॉक्टर संतोष सुमन ने नीतीश कैबिनेट से बाहर का रास्ता अपनाया है। सीएम नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को सरकार से बाहर जाने के बाद मांझी समुदाय में अपनी पैठ बरकरार रखने को लेकर जदयू विधायक रत्नेश सदा को कैबिनेट में शामिल कराया जा रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि रत्नेश सदा को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रूपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshant.com की जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी। आपको बता दें चले, बिहार सरकार का शुक्रवार को कैबिनेट विस्तार हुआ है और इसमें सिर्फ एक विधायक रत्नेश सदा ने मंत्री पद की शपथ ली है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। वह सोन वर्षा से लगातार 3 बार जदयू से विधायक है। रत्नेश को जीतन राम मांझी के बेटे डॉक्टर संतोष सुमन का ही SC/ST कल्याण विभाग दिया गया है। जो विभाग खाली हुआ था, डॉक्टर संतोष सुमन ने जो रेजिग्नेशन दिया था, जो पद खाली था उसी में उनको वो पद दिया गया है। शपथ से पहले रत्नेश सदा ने सीएम नीतीश के पैर भी छुए हैं और डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव ने उनको गले लगाकर शुभकामनाएं उनके आगे फ्यूचर के लिए दी हैं। रत्नेश सदा के शपथ ग्रहण समारोह में मंत्री विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, प्रोफेसर चंद्रशेखर समेत कई अन्य मंत्री मौजूद हैं। JDU राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी इसमें मौजूद रहे हैं। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर UKG के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।